हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं मीडिया कन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद नेटवर्किंग सीरीज़ में आज वीडियो अपलोड हुई है। तो क्योंकि मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, तो दोस्तों रेगुलरली वीडियो अब नहीं आ पा रही है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। लेकिन अगर आपको जो भी ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं तो उस पर आप मुझे कमेंट करिए, मेरी वीडियोस पे कमेंट करके मुझे बताइए। अगर उसमें बल्क में मुझे इतने कमेंट्स मिलते हैं या फिर मतलब अप्रॉक्सीमेटली मुझे कुछ हद तक ज़्यादा कमेंट्स सेम टॉपिक पर आते हैं तो मैं शॉर्ट उस पर पूरी कोशिश करूँगा नई वीडियो बनाने की। क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, तो मैं वीडियो रेगुलरली नहीं ला पा रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, कोऑपरेट करके रखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग में मीडिया कन्वर्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडिया कन्वर्टर को, और इसमें आज हम बात करेंगे कि मीडिया कन्वर्टर्स क्या होते हैं, मीडिया कन्वर्टर्स कितने टाइप के होते हैं, पूरा हम इसका प्रैक्टिकल बेसिकली हम जान पाएंगे, मतलब वर्चुअली देखेंगे किस तरह से मीडिया कन्वर्टर काम करता है, कौन कौन से इसमें मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करा जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या हमें इसका यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि मीडिया कन्वर्टर होता क्या, उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए, मीडिया कन्वर्टर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी मीडिया को कन्वर्ट करने का जो काम करता है उसको हम कन्वर्टर बोलते हैं। लाइक अगर आप बात करते हो, कई लोगों को आपको पता होगा मोबाइल में OTG का इस्तेमाल होता है ना। तो OTG जो होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो एक क्या होता है, आपका कोई पेन ड्राइव है, आपके अपने पेन ड्राइव को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना हो तो हम OTG का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव आपका उस OTG में लगाते हो और जो OTG होता है उसका जो आपका USB पिन होता है आपके मोबाइल के अंदर स्मार्टफोन में, उससे कनेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, आपका पेन ड्राइव डायरेक्टली आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से कन्वर्टर का काम होता है नेटवर्किंग में, उसको मीडिया कन्वर्टर बोलते हैं। किसी भी दो अलग अलग मीडियम को या फिर दो अलग अलग मीडिया को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम मीडिया कन्वर्टर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और हम ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो है एक कॉपर केबल का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आप बात करते हैं UTP केबल का इस्तेमाल हो रहा है, जनरली जिस केबल से आप इंटरनेट चलाते हैं, RJ45 की जो केबल होती है, ठीक है, या इथरनेट केबल जो आप बोल सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं आप इंटरनेट चलाने के लिए, और आप चाहते हैं कि आप अपने घर से या फिर अपने ऑफिस से और आपका जो दूसरा ऑफिस किसी दूसरी सिटी में बना हुआ है आप उसके बीच में कनेक्शन करना चाहते हैं, बट आपको ये पता है जो UTP केबल की लेंथ होती है वो 100 मीटर से ज़्यादा आप उसका एक्सटेंड नहीं कर सकते, और जो आपको ऑफिस है वो बियॉन्ड 100 मीटर्स है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपका कॉपर है या फिर जो आपका UTP केबल है उसको फाइबर ऑप्टिक केबल के संग कनेक्ट करेंगे। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो आपके कॉपर केबल से तो कनेक्ट हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे क्या होगा, आप इस्तेमाल में लाते हैं मीडिया कन्वर्टर को। तो मीडिया कन्वर्टर क्या करता है, आपका जो UTP केबल है उसको और आपके जो फाइबर केबल है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि यहाँ से जो सिग्नल जा रहे हैं वो फाइबर के थ्रू ट्रैवल कराते हुए जहाँ भी आपको सिग्नल को भेजना है वहाँ पर ट्रैवल कर सके। तो यही काम होता है मीडिया कन्वर्टर का। अब मीडिया कन्वर्टर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस that transparently converts Ethernet or other communication protocol from one cable type to another type. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मीडिया से किसी दूसरी मीडिया में जब हम ट्रैवल कराने की बात करते हैं, फिर डेटा को एक्सचेंज कराने की बात करते हैं, तो वहाँ पे मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम थोड़ा सा पिक्चराइज वे में समझते हैं। देखिए, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है तो ये एक मीडिया कन्वर्टर होता है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो एक पोर्ट है वो है पोर्ट किसका, वो ये फाइबर का पोर्ट, ठीक है, और ये जो पोर्ट है ये है हमारा इथरनेट का पोर्ट। अब जो यहाँ पे TX लिखा है, RX लिखा है, TX मतलब होता है जहाँ पे वो पोर्ट जहाँ पे जो डेटा है वो ट्रांस रिसीवर होता है, और RX मतलब रिसीवर, यानी कि T मतलब ट्रांसफ़र और R मतलब रिसीवर, जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करेगा और जहाँ पे डेटा को रिसीव करेगा वो होता है TX और RX, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है इसका इथरनेट केबल का पोर्ट। अब यहाँ पे एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ पे देखिए दो मॉड्यूल होते हैं इसमें, एक होता है ट्रांसफ़र का और एक होता है रिसीवर का। अब जो भी आप देखिए, जब भी आप मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा दो मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे, एक मीडिया कन्वर्टर आप अपने एंड पे लगाएंगे और एक मीडिया कन्वर्टर आप दूसरे एंड पे लगाएंगे। तो अपने एंड पे जो भी केबल जाएगा आपका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से डेटा को भेज रहा है, यानी कि वो क्या है, ट्रांसफ़र मोड पे है, और वहाँ पे जो डेटा मतलब वहाँ पे जो आपका मीडिया कन्वर्टर लगा होगा वहाँ पे जो केबल कनेक्ट होगी वो किस में होगी, वो रिसीवर मोड पे होगी, यानी कि यहाँ से जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसको रिसीव कर रहा है।
तो ये फंक्शन होता है ट्रांसफर और रिसीवर का। तो ये फोटो होती है, ये फोटो है एक मीडिया कन्वर्टर की, जहाँ पर आपको दिख रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल और एक इथरनेट केबल। अब इथरनेट केबल से क्या कन्वर्ट हो रहा है, जो सिग्नल है वो फाइबर ऑप्टिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं अगर रिसीवर साइड पर है तो जो फाइबर ऑप्टिक से सिग्नल आ रहे हैं वो वापस से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आपके इथरनेट का जो केबल है उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये हमारे पास मीडिया कन्वर्टर होता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लग इन प्ले, आपने सिर्फ मीडिया कन्वर्टर लाए, आपने इसका पावर केबल लगाया और चालू हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ मॉड्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक कलर का कुछ कैप है, इस कैप को निकाला जाता है और उसके अंदर ये मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं। ये क्या है, SFP मॉड्यूल्स है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल जो मॉड्यूल्स होते हैं, फाइबर के मॉड्यूल्स होते हैं। इस मॉड्यूल्स को इसके अंदर लगाया जाता है, इस कैप को निकालते हैं और इस मॉड्यूल के इसके अंदर लगाते हैं। अब यहां से लगता है एक फाइबर केबल इसके अंदर जाती है और ये जो आपका पोर्ट दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये होता है ईथरनेट केबल का पोर्ट। अब यहाँ पे इथरनेट केबल लगती है और यहाँ पे आपकी फाइबर लगती है। तो यानी क्या हुआ, जो आपका फाइबर से डेटा आ रहा है वो इथरनेट में ट्रांसफर हो पाए और जो आपका इथरनेट से डेटा जा रहा है वो आपका फाइबर में ट्रांसफर हो पाए, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होप सो फार सो क्लियर, और आपको अभी तक जो है इसके बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो जो मीडिया कन्वर्टर्स होते हैं, इससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक्सटेंड लैंड डिस्टेंस विद फाइबर। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इससे अपना लोकल एरिया नेटवर्क का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आपकी लोकेशन से आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए, पर आप UTP केबल की मदद से डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि UTP केबल में एक डिस्टेंस पर जाने के बाद जो सिग्नल होते हैं वो लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट वहाँ पर आप UTP केबल को फाइबर की केबल को UTP और फाइबर की केबल को आपस में जोड़ के मीडिया कन्वर्टर की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है मेंटेन इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है बिना उसको बदले आप उसमें फाइबर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आप अपने एक ऑफिस में इथरनेट का नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें आप फाइबर का भी नेटवर्क इंस्टॉल करें, तो आप क्या कर सकते हैं, मीडिया कन्वर्टर को बीच में कनेक्ट करके यहां से इथरनेट जोड़ा, यहां से फाइबर जोड़ा, उनको आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं बिना आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क को छेड़छाड़ करें। तीसरा होता है प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम इंटरफेरेंस। अब जैसे कि आपको पता है, जो UTP केबल्स होती हैं उसमें EMI का भी खतरा हमारे पास होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का भी खतरा उसमें होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर में आपको पता है EMI जनरेट नहीं होती, उसमें सिग्नल लॉस्ट नहीं होते, तो सिग्नल को जो प्रिवेंट करने के लिए हम मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं UTP टू फाइबर में कन्वर्ट करने के बाद। फिर आता है हमारे पास स्पीड कन्वर्जन। अब यहाँ पे हम स्पीड कन्वर्जन कर सकते हैं, वो कैसे, यानी कि जो हमारे पास ईथरनेट की स्पीड होगी वो फाइबर के मुताबिक बहुत कम होगी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 Mbps को 100 Mbps पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल स्पीड कन्वर्जन यहाँ पे कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो आज मैंने आपको बताया कि कॉपर टू फाइबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और फाइबर टू फाइबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसके कुछ अलग भी टाइप होते हैं। जैसे कि होता है POE मीडिया कन्वर्टर, यानी कि पावर ओवर इथरनेट मीडिया कन्वर्टर्स, स्टैंड अलोन वर्सेस JCS बेस्ड मीडिया कन्वर्टर्स। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी तक शायद आपको यही पता होगा कि इसमें जो कॉपर टू फाइबर होता है फिर फाइबर टू फाइबर होता है, लेकिन अलग भी मीडिया कन्वर्टर्स आते हैं मार्केट में। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, रिक्वेस्ट अच्छी आएगी मुझे कमेंट में, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हमने बात करी मीडिया कन्वर्टर्स के बारे में। तो वीडियो अगर समझ में आई, आपको पसंद आई वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।